मैं आपको यहां झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि हर बैंक अकाउंट में 15 लाख डालेंगे, मैं सच्चाई बोलूंगा 3,60,000 डाल देंगे। प्रियंका जी ने अभी शुरुआत में बोला कि जहां भी देखो नरेंद्र मोदी जी की पब्लिसिटी होती है, टीवी चालू करो नरेंद्र मोदी, रेडियो चालू करो नरेंद्र मोदी, सड़क पे चलो नरेंद्र मोदी, इतनी पब्लिसिटी का पैसा कहां से आता है? आप टीवी पे 30 सेकंड के लिए लाखों रुपए लगते हैं, अखबार में लाखों रुपए रखते हैं, ये देश में हर रोज जो नरेंद्र मोदी की फोटो आ रही है, इनका चेहरा आ रहा है, इसका पैसा कौन दे रहा है? नरेंद्र मोदी की जेब से तो नहीं आ रहा ना, तो ये पैसा कहां से आ रहा है? आपने कभी सोचा कि करोड़ों रुपए की पब्लिसिटी, पैसा कहां से आ रहा है? मैं आपको बताता हूं भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी ने आपका पैसा चोरी करके, लाखों करोड़ रुपए चोरी करके इन चोरों को दिया है। नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, अनिल अंबानी, लाखों करोड़ रुपए आपका पैसा छीनकर इनको दिया गया है। पहले नारा हुआ करता था अच्छे दिन आएंगे, याद है मोदी जी कहते थे अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे, बुरे दिन आ गए ना। अब नया नारा सुनो, चौकीदार चौकीदार चौकीदार। 5 साल में अच्छे दिन से चौकीदार चोर है तक पहुंच गए। अब 5 साल अन्याय किया, 5 साल अन्याय किया। आपको याद होगा यूपीए की सरकार थी, उत्तर प्रदेश के किसान हमारे पास आए, आपने हमसे सवाल पूछा, आपने कहा देखिए ये अरबपति लोग हैं, इनके लिए बैंक के सामने लाल कालीन लगती है, हम जाते हैं बैंक के पास, बैंक में जाते हैं, हमें कहते हैं भैया तुम यहां से परे हो जाओ, तुम्हारे ऊपर कर्जा है। आपने हमें कहा कि किसान का कर्जा माफ करके दीजिए, 10 दिन के अंदर 72,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के किसान का हमने माफ करके दे दिया, 10 दिन के अंदर। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, मैंने ऐसी मीटिंग में वहां कहा देखिए 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के किसान का कर्जा माफ हो जाएगा, कुछ भी हो जाए कांग्रेस पार्टी जीतेगी, 10 दिन के अंदर हो जाएगा। भाइयों और बहनों 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन के अंदर हमें कर्जा माफ कर दिया सबका। हम न्याय योजना की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पैसा कहां से आएगा, कहते हैं मिडिल क्लास से आएगा, मध्यम वर्ग से आएगा। मैं बताना चाहता हूं मिडिल क्लास से नहीं आएगा, कांग्रेस पार्टी इनकम टैक्स को नहीं बढ़ाएगी, मगर अनिल अंबानी के जेब से आएगा, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी उनके जेब से आएगा और आपके जेब में जाएगा। नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, यहां कोई है जिसको नरेंद्र मोदी ने रोजगार दिया? अच्छा एक और सवाल, यहां कोई किसान है जिसके खेत में रात को आवारा पशु नहीं आया हो? एक है यहां पे, अभी हमने देखा हेलीकॉप्टर से खेतों में आवारा पशु घूम रहे हैं। बर्बाद कर दिया है नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के किसानों को, वो उनकी चौकीदारी कर रहा है, अनिल अंबानी की, मेहुल चौकसी की, नीरव मोदी का की। अच्छा एक सवाल,
आपने किसान के घर के सामने कभी चौकीदार देखा है? कभी जिंदगी में आपने चौकीदार के घर के सामने किसान देखा? बेरोजगार युवा के सामने घर के सामने देखा? छोटे दुकानदार के सामने चौकीदार? अच्छा अनिल अंबानी के घर के सामने कितने चौकीदार हैं?